राजनीति करने में पेंट थोड़ा हिल डुल जाता है, मालूम है ना, अपने अंदर जो है ना भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय, तो वो पेंट का हिलना डुलना जो है वो हो जाता है। कचहरी में आने के बाद जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है, जो बाहर आप नहीं सोचते हैं ना वो यहाँ वकीलों की भीड़ में। मिस्टर सिविल सर्जन, आपको जवाब देना, ओडी स्लिप नहीं। आप कब ज्वाइन किया वहाँ? हम 10/1/2022 को ज्वाइन किए हैं। 10/1/2022 को, तो ये केस चल रहा था, आपने कभी इसको एग्जामिन किया, इसमें इंजरी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर हमको सीजीएम साहब का लेटर मिला, उसके बाद एग्जामिन किए, इंजरी रिपोर्ट उनको तुरंत 24 घंटा के अंदर प्रोड्यूस कर दिया गया। तो आपके हिसाब से भी पहले नहीं भेजा गया था उनको? नहीं, नहीं भेजा गया। दिखाइए जरा इंजरी रिपोर्ट। व्हाई दिस सीरियल नंबर हैज बीन ब्रीच्ड? माय लॉर्ड, अब आप बताइए। अपने अंदर जो है ना भीतर से कुछ आवाज आती है गलती करते समय, तो वो पेन का हिलना डुलना जो है वो हो जाता है। क्या गलती किया है आपने, बताइए जरा मुझे। सर नंबरिंग करने में गलती हुआ है। नंबरिंग करने में, चूंकि आप बीच में उसको डाल रहे थे, फोर्जरी के लिए आप जाइएगा। समझते हैं क्यों कोर्ट को बुलाना पड़ता है आप लोगों को? अब समझ में आ रही है बात? आपको पता नहीं होता कानून क्या है, यही प्रॉब्लम है। क्या गड़बड़ हुई है उसमें, बताइए मुझे। छिपाइएगा नहीं, जितना छिपाइएगा उतना आप सर एक्सरे फंसते चले जाइएगा। वही नंबर लिखा हुआ एक्सरे, उसमें क्या गलती हुई है, पेन में क्या गलती हुई है आपकी? ऊपर से नंबर जो लिख रहे थे डॉक्टर, 3680 लिखे थे, 3681 इसको 82 लिखे हैं, 36 उसको 3 जैसे लिखा गया है, फिर उसके बाद 33 कर गया, फिर करेक्शन करके 85-86 कर रखा, करेक्शन बाद में पता चला तो करेक्शन किया है। ठीक है, अब जरा दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। तीन पेशेंट, दूसरा रजिस्टर दिखाइए मुझे। एक्सरे का रिपोर्ट है, वही नंबर उसमें भी रीड हुआ है सर, उसी डेट लाइए लाइए दिखाइए जरा। और रिसीव किए हैं दीपक द्विवेदी। वेयर इज द रिपोर्ट ऑफ दिस एक्सरे? एक्सरे का रिपोर्ट सर उसी में रिसीव किए हैं ये दीपक। आप रिपोर्ट मुझे बताइए ना, वेयर इज, आप अपने रिकॉर्ड में कुछ तो रखते होंगे? नहीं है सर, रिकॉर्ड में वो एक्सरे नहीं है ना। नहीं है सर, एक्सरे रिपोर्ट लेके पेशेंट चले गए, उसमें रिसीविंग है सर। इसका मतलब रिसीविंग है सर। तो आपने एक्सरे रिपोर्ट उनको जो दिया उसकी कोई कॉपी आप नहीं रखते हैं? एनजीओ का था सर, एक्सरे एनजीओ का था। उस वक्त एनजीओ कराती थी एक्सरे, उसी का रिकॉर्ड रहता था, वही हॉस्पिटल वहां पर वो प्रोवाइड करते थे फैसिलिटीज। ये रजिस्टर से, सुनिए जरा धीरे धीरे चलिए, ये रजिस्टर से कहां दिख रहा है कि ये उन्होंने रिसीव किया है? आगे सर मेंशन, उसी लाइन में सर, लास्ट में क्या है मेंशन? दीपक द्विवेदी लिखा हुआ है। तो हमने दस्तखत कहीं कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमने रिसीव कर लिया? ये तो इसका मतलब हुआ कि जिसका आपने किया उसका आपने सिग्नेचर लिया। दिस रजिस्टर ओनली शोज कि जिस पेशेंट का आपने एक्सरे किया उसका सिग्नेचर या आपने उसका अंगूठे का निशान लिया। इस रजिस्टर में कहीं एक लाइन भी आप मुझे दिखा दीजिए कि ये रजिस्टर जो है वो जो रिसीव करता है उसके सिग्नेचर को दिखा रहा है कि ये रिसीव किया इसको। केस बनाइएगा तो बनता चला जाएगा। कचहरी में आने के बाद जो है ना अच्छे अच्छे लोगों को फिर बड़ा मुश्किल होता है, जो बाहर आप नहीं सोचते हैं ना वो यहाँ वकीलों की भीड़ में आपको जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं समझ रहे हैं? ये रजिस्टर में कहीं आप मुझे एक विस्पर दिखा दीजिए कि दिस रजिस्टर इज प्रिपेयर्ड शोइंग द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन हु हैव रिसीव्ड द रिपोर्ट। लीजिए, अपने वकील साहब की मदद लीजिए थोड़ी। कोर्ट को मत मिसलीड कीजिए, कहीं आप दिखाइए कोई कॉलम जिसमें आपने लिखा हो प्राप्त किया और उसके नीचे इन्होंने दस्तखत किया हो। एनजीओ का है, एनजीओ। आप अगर किसी कॉलम में लिख देते हेडिंग में प्राप्त करता, ठीक है सर, समझ गए बात? ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे होता है कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन। एनजीओ का है सर। एनजीओ का हो कि आपका हो, आपका एनजीओ है ना, आपने काम दिया है उसको, आपने अपॉइंट किया है उसको।